भारत विकास परिषद नारायणी इकाई भिलाई दुर्ग द्वारा इस वर्ष 17 निर्धन और जरूरतमंद परिवारों को उनके घरों के वयस्क बच्चों को परिणय सूत्र में बांधकर मिलाने का कार्य किया है। भारत विकास परिषद दुर्ग भिलाई की इकाई द्वारा हर वर्ष निर्धन एवं जरूरतमंद युवक युवतियों का विवाह संपन्न कराया जाता है। इसी सिलसिले को लगातार बरकरार रखते हुए इस वर्ष भी 17 जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में बांधने का पुनीत कार्य भारत विकास परिषद दुर्ग भिलाई इकाई द्वारा किया गया। इस आयोजन में अग्रवाल समाज एवं नारायणी सेवा का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें, भारत विकास परिषद की महिला विंग को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। इस आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रत्येक 17 जोड़ों के साथ सम्मिलित होकर पूरे विधि विधान के साथ पंडितों के विधिवत मंत्र उच्चारण के बीच विवाह संपन्न कराया। विवाह के उपरांत प्रत्येक जोड़े के लिए उपहार की व्यवस्था भी भारत विकास परिषद की तरफ से की गई थी, जिसे विवाहोपरांत 9 दंपतियों को सौंपा गया। पंडितों द्वारा विधि विधान से मंत्र उच्चारण करने के साथ साथ विवाह की सभी रस्मों को भी जोड़ों को बताया गया और विवाह में उपस्थित जोड़ों के परिजन भी सारी रस्मों को निभाते नजर आए। जब वर ने वधू की मांग में सिंदूर भरकर उन्हें मंगलसूत्र बांधकर सात फेरे लिए, तब उस समय युवती के परिजनों की आंखें नम हो गई। बावजूद इसके पूरे आत्मीयता और खुशी के साथ वधू पक्ष के लोगों ने अपनी लाडली बेटी को दामाद के हवाले किया। इस आयोजन की जानकारी भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों सहित नारायणी सेना ने मीडिया को दी। 3-4 महीना पहले से ही ये प्रोग्राम तैयारी शुरू की थी और उसमें हम हर सैटरडे संडे बैठते थे यहाँ यहीं पे और जोड़ों को मिलान कराते थे, जिनके पेरेंट्स से मिलते थे, सारी बात करते थे। उसके बाद जो जोड़ा जम गया तो फिर वो फाइनल करते थे। के लिए हमने कंबल दे रहे हैं, बेडशीट दे रहे हैं, बर्तन पूरा घर का बर्तन पूरा रोजमर्रा की चीजें सारी चीजें दे रहे हैं। तब से हम पहले तो हम पांडे जी का लेना चाहेंगे ना, और भारत विकास परिषद अग्रवाल समाज सबने मिलकर हमने किया है नारायणी शाखा, और हमारे सबका सपोर्ट रहा तभी हम कर पाए, नहीं तो कहाँ कर पाते अकेले आदमी। अंदर से बहुत खुशी हो रही है हमें कि हम कुछ कर पा रहे हैं। भाव विभोर है, हम सारे के सारे उसको मतलब करना मुश्किल है। बहुत भाव विभोर है और बहुत खुशी हो रही है। लोग एक नहीं कर पाते, यहाँ 17-17 हो रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर वाला करवा रहे हैं हमारे से। धन्यवाद देखो एशियन नेट जो है, एशियन जो न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप आके यहाँ कार्यक्रम को हमारे पूरा कवर किए, पहले भी आप कवर करते रहे। क्योंकि भारत विकास परिषद जो काम कर रहा है सामूहिक सरल विवाह, ये आपको मालूम है आज के समय में विवाह करना बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। एक आपको एग्जाम्पल बताऊँ, किसी शादी में कुर्सी पार की महिला बताई, मैं 7-8 साल से लड़के से प्रेम कर रहा था, घर वाले तैयार नहीं थे और पैसा भी नहीं मिल रहा था, निकली जाओ तो वहाँ नोटिस जाता है। तो उन्होंने किसी ने बताया कि भारत विकास परिषद जाओ, कल हम लोग आज उन लोगों का शादी हम लोग करा रहे हैं, उनका लीगल भी सब कागज डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और दोनों बहुत खुश हैं। ये भारत विकास परिषद लगभग 150 विवाह लगभग 3 साल से कर रहा है। इसमें एक पूना की महिला भी आई है, जिसको हम लोग बड़े पैमाने पर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी संस्था से पैसा नहीं लेते, और ये जो है भारत विकास परिषद हमारे राघा जी ने काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। और हमारी नारायणी सेना की माँ सारा जी हैं, इन्होंने अभी हीमोग्लोबिन टेस्ट का महिलाओं को कई स्कूलों में किया है। तो हम लोग सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करें, और सबसे बड़ी बात है कि जो यह शादी हो रहा है ये बहुत ही अच्छे रीति रिवाज से, और पूरे उनके जो जीवन में लगता था विवाह के समय, पूरे सामग्री हम लोग दे रहे, बर्तन बड़े हाई क्वालिटी है, मंगलसूत्र दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, और उनको उपहार रूप में कई लोग, कई संस्थाएँ अपने आप आ जाती हैं। और ये भारत विकास हम लोग अपने स्वयं के बल पर अच्छा अच्छा काम करें। आप मीडिया वालों ने कार्यक्रम बहुत अच्छा कवर किया, सबका धन्यवाद, और आप शुभकामनाएं दीजिए कि हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत विकास परिषद द्वारा कराया गया सामूहिक सरल विवाह पूर्ण रूप से सफल रहा। इस आयोजन में नव दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले 17 जोड़ों को और उनके परिजनों ने हृदय से भारत विकास परिषद और नारायणी सेना का आभार व्यक्त किया। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।